कितने पैसे हो गए भैया? साहब 150 रुपये। 150? ये लीजिए साहब। छुट्टा तो नहीं है मेरे पास? कोई नहीं, रख लो। शुक्रिया साहब। अरे साहब बैग, साहब बैग आपका। अरे साहब, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना नहीं चाहिए मुझे छुट्टे पैसे, तो तुम यहाँ तक क्यों आ गए? अरे मैं वो पैसे देने नहीं आया हूँ, ये आपका बैग रह गया था। थैंक यू सो मच यार, तुम तो बहुत ईमानदार निकले, वरना आजकल कोई ऐसे बैग लौटा दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साहब आपने भी 200 का छुट्टा ना होने पर 50 रुपये मेरे ऊपर फालतू छोड़ दिए, इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका बैग वापस करने आ जाऊँ। आप चेक कर लीजिए इसमें, मैं चलता हूँ। ओए जी साहब, इस बैग में 2 लाख रुपए थे, कहाँ गए वो? 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए, कहाँ गए मेरे पैसे? साहब मुझे नहीं पता आपके पैसे कहाँ हैं। तूने चुराए ना? साहब कसम से मैंने बैग खोला भी नहीं आपका, मुझे नहीं पता। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, पहले तो भरोसा जीतते हो, उसके बाद में जैसा ही मौका मिले ना हाथ साफ कर देते हो। आप कसम से मैंने नहीं लिए आपके कोई पैसे, मुझे नहीं पता इसमें कितने पैसे थे और कहाँ गए। तू ऐसे नहीं बताएगा ना? चल पुलिस के पास। साहब 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 पुलिस को मत बुलाइए, मैं बाल बच्चा वाला आदमी हूँ, मेरी बेटी का मेरे अलावा कोई नहीं है दुनिया में। साहब पुलिस को मत बुलाइए। इन सब चीज़ों से ना मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। साहब भरोसा करिए मेरा, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। तू ऐसे नहीं बताएगा, चल। साहब दक्ष, ये क्या कर रहे हो तुम, और इसे कॉलर से क्यों पकड़ा है तुमने? उसने मेरे बैग से 2 लाख रुपए चुराए और अब वापस नहीं कर रहा है, पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ मैं इसे। साहब मैंने कोई चोरी नहीं करी है, साहब मैंने कोई चोरी नहीं करी है, भरोसा करिए मेरा। हाँ हाँ भैया, एक सेकंड। क्या एक सेकंड? तुम ऐसे छोटे लोगों को नहीं जानती हूँ, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दक्ष तुम्हारे वो 2 लाख रुपए मेरे पास है। क्या? हाँ तुमने कहा था ना कि तुम्हारे बैग में रख दूँ, लेकिन मैं भूल गई थी और इसीलिए ये पैसे यहाँ लेकर आई हूँ तुम्हें देने के लिए। यार मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे और बिना तुम्हारी बात सुने तुम पर शक कर लिया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, आप माफी मत मांगिए, हम गरीब लोगों की तो किस्मत ही ऐसी होती है। लेकिन साहब एक चीज़ याद रखना, हर गरीब आदमी ना चोर नहीं होता है, हम लोग बस मेहनत करके इज्जत की दौलत की रोटी खाना चाहते हैं। और आप ही बताइए, अगर मैं चोरी कर लेता तो भाग जाता ना, यहाँ वापस क्यों आता? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मुझे माफ़ कर दो, मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ। मैं वादा करता हूँ कि आज से कभी भी किसी के ऊपर बिना सबूत के शक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं सर, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए, मैं चलता हूँ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.